सब कहें तेरा फजल ही बदलेगा। बचाता है दुखा तो नूरे सदा, इस वक्त हम यूएल भाई के साथ गीत गाएंगे। आप आए थे सामने आपका जी साथ आपका एक नया गीत इनको और सालू मोदी को बताओ ने दिए, वो मुझे बड़ी मतलब मिलती है तो इस भगवान के लिए ताली जाए। एक नया गीत को गाने को सुनिए, मैं आपके साथ जरूर गाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा लोग भी सीखें।
काफी लोग मुझे हैरानी से देख रहे हैं, मुझे हैरानी से देख रहे हैं, मेरे साथ वर्शिप कर सब जाएंगे दोबारा से। तू है मेरी गंदी मैंने जितने की तू ही तू है मेरी गंदी मैंने जितने की तू ही सच्चा करना सजू
मेरी जिंदगानी ये सुहास देखो बंद करने ये सुहास तू यो बंद करने ये सुहास यीशु का हमारी जिंदगी में आना ये फायदे के बारे में दुनिया में कितनी भी परेशानी में है बाहर बेचने वाले भी परेशान हैं खरीदने वाले भी परेशान हैं जानवर बड़े महंगे हैं और जिन्होंने मेहनत की है उनकी बिक्री है वो भी परेशान है मगर खुदा ने हमारा फिदिया दे दिया कोई पापा दा कफारा कोई इको कुर्बानी यीशु मसीह इको कुर्बानी यीशु मसीह सबसे बड़ी बात
जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो हर चीज से ऊपर है, उत्तम है, वो ये है, हाथ उठाए, आंखें बंद करें और ऊंची बात में आपने कहना जाने दिखती तुम्हें मेरे बदले, 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 तेरी मेहरबानी इस रास की, तेरी मेहरबानी इस रास की, दोनों बंदगाने इस रास की, तुयो बंदगाने इस रास की, तेरे माथा में से यीशु मैं शिफा पाई, ये सुन शिफा तेरे मिली मुझे तो तेरे मिली मुझे तो I'm not afraid to die.
बात को समझे, इस बात की गहराई को समझे, आंखें खोल के सुने। ये आदम और हवा का रिश्ता बाद में बना था, लेकिन मसीह का और हमारा रिश्ता इससे भी पहले था। दिमाग समझे, क्योंकि वो असल से ज़िबा किया हुआ बंदा है। और किसके लिए ज़िबा होना था? दुल्हन के लिए। ऐसा दुल्हा जिसने अपने लहू से अपनी दुल्हन को खूबसूरत बनाया था। ये जिंदगी ये अब तेरी अमानत है, पूरे देश के ये जिंदगी ये अब तेरी अमानत है। मैंने अपनी सांसों तेरी खुशबू रसाई, दुल्हन का गीत आपने दुल्हन के लिए देने मान भावे से ये सुने शिफा पानी, तेरे मुंह बहाने से तेरे मुंह बहाने से मिली मुझको मेरी रू गाए तमजीद तेरी, मेरी सांसों में है तू बसा, पीछे मेरी रू गाए तमजीद तेरी, मेरी सांसों में है तू बसा। ऐ पाक रू है जस्तजू मुझे मेरे मसीह से मिला, मुझे मेरे मसीह से मिला, तुझी बन मेरा गुनाह करते हैं तो जो अच्छा लग रहा होता है वो आपके जिस्म को अच्छा।
सेम टाइम में जो बुरा लगना होता है वो आपकी रूह को बुरा लगता है, आपकी रूह बुझ जाती है बुरा करने से। आपका जिस्म खुश होता है मगर आपकी रूह बुझ जाती है क्योंकि वो खुदावंद की मैसेज। ये जिस्म जो खुदावंद के लिए तड़पता नहीं है, ख्वाहिशों के लिए तड़पता है, यह चेंज होने वाला है। खुशखबरी, जब यीशु दोबारा आएगा तो ये बॉडी चेंज हो जाएगी और जलाली हो जाएगी। हालेलुया। मेरी गुंगाए तुम जीत दे, मेरी सांसों में है तू बसा। बुला तो आसे गुंगाए तुम जीत दे, मेरी सांसों में है तू बसा। मेरी सांसों में है तू बसा, मेरी सांसों में है तू बसा। मुझे मेरे मसीह से मिला, तू जीवन मेरा, तू जीवन मेरा, तू जीवन मेरा, तू जीवन मेरा। सूलियो चले दुख दुख मुल सारा सुख देखा, मुल सारा सुख क्यों ना खुल हो बेगा, जिद को लेगा क्यों ना खुल हो बेगा, जिद को लेगा उधर पीछे पीछे जा बेगा सुली मुझा पीछे पीछे ये बाथरूम ऐसा मददगार है जो आपको आने वाली बातें दिखा देता है। दाऊद को कैसे पता चला कि मेरा खुदावंद मेरा निजात देता आएगा और मेरे लिए दुख से बचा देगा, उसको बाथरूम में पहले से बता दिया। वो इसीलिए वो भी जब मस्तिष्क कर रहा है तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि वो लोग थे जिन पर हजारों साल पहले खुदा की मोहब्बत का मुकाशवा खुल चुका था और उसी के दुखों का भेद खुल चुका था। क्यों ना खुलो देगा जिद को लेगा, क्यों ना खुलो देगा जिद को लेगा वो दिल पीछे पीछे देखा सुनी वो दिल पीछे पीछे देखा सुनी जिस काम के लिए वो आया, जिस काम के लिए उसने अपना दे दिया। कौन कौन चाहता है वो काम बड़ी तेजी से हो? दे तो फिर असारू जाना रुड़ गया था।
द लॉर्ड। एक गीत गाएंगे और उसके दौरान अपने हदीय खुदावन के नाम ले जाएंगे और ऑलरेडी खुदावन का प्यार उसने हमें घेरा हुआ है। हालेलुया। Hallelujah, Hallelujah.
कोई ये नहीं कह सकता कि खुदावंद ने मुझे नहीं बुलाया। एक बुलाहट है जो सबके लिए और वो नजात पाने की बुलाहट है। हालेलुया। लहू से धुल जाने की बुलाहट है। उसके लहू की धारा सबको बुला रही। उसके उसकी सलीब से आवाज आई। उसकी सलीब से आवाज आवाज क्या आ रही है? यीशु मसीहा तेरा कफारा कहती जा। यीशु मसीह के लहू की धारा बहती जाती है। वो जो आवाज आ रही है वो बता रही है कि तेरी बड़ी कदर कीमत है, क्योंकि जो लहू तेरे लिए बहा है वो बड़ा कीमती है, जिससे तू खरीदी गई, जिससे तू खरीदा गया है। वो आवाज कह रही है मुझसे तू दूर है, आज शाम तेरी बहाली के लिए मैंने ये इबादत रखवाई है। ये खुदावंद ने रखवाई है वैसे, ताकि आज वो आपको बता सके कि वो आपसे प्यार करता है और उसकी रूह आपके लिए तरसती है। उसके लहू की धारा तुझको बुला रही। उसकी सलीब से आवाज आ रही। यीशु मसीह तेरा कफारा कहती जाती है। यीशु मसीह लहू की धारा कहती जाती है। मैं इसी सलाह से कहूंगा कि वाइफ जो हुआ मेरा मालिक है कलाम जी, खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे इस हजूरी के लिए, खुदा तेरी मौजूदगी के लिए। आज शाम जब एक खुदा तेरे लोग तेरे नाम से इकट्ठे हैं तो तू हम पर एक खुदा अपनी मोहब्बत का प्रकाश कर दे। एक खुदा हम तेरी बातों को जानना चाहते हैं तो हम इससे हर एक से बोल और उनसे हम कलाम हो। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू एक खुदा एक खुदा हमसे मोहब्बत रखता है और अपने लोगों से बात करता है। हम एक खुदा तुझे दावा देते हैं एक खुदा अपनी जिंदगियों में कि तू हमें से हर एक से कलाम होकर हमसे बोल और खुदा हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। अपने खादिम के साथ हो और एक खुदा अपने कलाम में से अपने खादिम के वसीला से हमसे बात कर। तेरा और ज्यादा गहरा मसा और तेरी हजूरी तेरे बंदा पर आए खुदा और तेरी बातों को हम तक पहुँचा सके। तेरी बरकत को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसकी उसके 24वें बाब की 15वीं आयत, खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज जो उसकी जुबान मुबारक से निकले, गौर से सुनिए। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मखलूक चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हमला हो और जो दूध पिलाती हो। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े। और से सुनिए, क्योंकि उस वक्त, ध्यान से बच्चों आप भी सुने, उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी। कैसी बड़ी मुसीबत?
कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगुजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। आप दानियल नबी के सातवें बाब से जरूर घर जाके पढ़ लें कि अगर खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि दानियल नबी ने भी इस उजाड़ने वाली मकरूह चीज का जिक्र किया है, तो आप वहां भी जरूर स्टडी करें। ये दुनिया एक बड़े ही खतरनाक दौर की तरफ बढ़ रही है। मत्ती की इंजील के 24वें बाब का ये इक्तबास जो आपने सुना है, ऊपर और नीचे भी पढ़ लें तो आपको दीगर बातें भी खुदावंद यीशु मसीह ने जो कही है दुनिया के एंड के बारे में वो पता चलता है। और बहुत सी बातों में एक बात ये कि जब तुम उस मकरूह चीज को जो उजाड़ने वाली है मक्तिस में देखो, मैं फिर पढ़े देता हूं, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले। मैं आपके सामने एक और हवाले की तलावत करना चाहता हूं ताकि आपको जल्दी बता दूं कि वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज क्या हो सकती है। मुकद्दस मुकाम में जो नजर आ रही है, मुकाशफा की किताब का 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत से, यहां पर सब मेरी तरफ पहले देखें, यहां मुखालफ मसीह का जिक्र है और मुखालफ मसीह के साथ एक उसका मजहबी असिस्टेंट है जो झूठा नबी जिसे कहा गया है, वक्त नहीं कि हम सारे वाले पढ़े। खुदावंद यीशु मसीह ने जो मत्ती के 24वें बाब में ये बात कही कि एक ऐसी मुसीबत दुनिया में आने वाली है कि जैसे पहले कभी नहीं आई, ऐसे मुसीबत के दिन जैसे पहले कभी नहीं आए, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे कौन से दिन हो सकते हैं, क्या नूह के तूफान से भी बड़ा कोई दौर आने वाला है मुसीबत का। जी हाँ, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐसी मुसीबत ना कभी पहले हुई ना होगी, और आप भी सोच सकते हैं कि ये कैसा दौर होगा। और यहां पर उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जब मुखालफ मसीह जाहिर होगा, जब आप दानियल नबी के सहीफे के 7वें बाब से ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं तो आपको 42 हफ्तों का जिक्र मिलता है, जो तकरीबन ओवरऑल अगर अरसा देखें 7 साल का अरसा दुनिया के खात्मे से पहले जो आखिरी 7 साल होंगे, इन शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं ये है वो मुसीबत के दिन जो बड़ी मुसीबत है। खुदा की खात्मा सिस्टर एलिस जब खुदावंद ने दोबारा भी भेज सकता है, मुझे पता चला कि वो बहुत ही कमजोर हो चुकी है, 90 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी है, शायद अब हम दोबारा उन्हें ना देखें। 60 साल उस औरत ने, उस खुदा की खात्मा ने इस मुल्क को दिए, अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक वो बार बार आती रही, साल में 3-3 बार आती रही, गांव गांव जहां हम नहीं पहुंचे वहां वो पहुंचे, और आखिरी बार जब वो आई तो उन्होंने कहा कि खुदावंद ने मुझे बताया कि जब कलीसिया इस दुनिया से उठाई जाएगी तो कलीसिया के ज्यादातर लोग यही रह जाएंगे, मौजूदा हालत अगर ऐसी ही रही जैसे आप है। मैं आपको खुदा का खादम होते हुए खबरदार करना चाहता हूं, इस दुनिया में बड़ी कॉम्प्रोमाइज किस्म की तालीमात दी जा रही है, सब कुछ चलता है, ये वाला दौर आ गया है। आपको हमने खुदावंद से मार नहीं खानी, हम आपको सच्ची बात बताना चाहते हैं कि इतनी भी आसानी बात नहीं है, बेशक उसने फसल कर दिया, खून बहा दिया है, मगर हमें अपने आप को संभालना होगा, हमें दुनिया की जो लहर उठी हुई है उसमें ईमान पर खड़े होना होगा। और खुदा की खात्मा ने कहा मौजूदा इख्तिलाफ की हालत कलीसिया की ऐसी है क्योंकि वो मुसीबत के दिन जब शुरू होंगे उनके शुरू होने से पहले ही कलीसिया उठा दी जाएगी, रैप्चर हो जाएगा, वो अचानक दुनिया से गायब हो जाएंगे, जैसे लिखा है एक ले लिया जाएगा एक छोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद वो मुसीबत के दिन शुरू होंगे। अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं कि ये जो मुसीबत के लिए खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है इनमें क्या होगा जो ये इतने ज्यादा है कि पहले कभी नहीं हुए, तो आप मुकाशफा की किताब में से
उन सात प्यालों के बारे में पढ़ सकते हैं जो आफत के साथ प्याले हैं, मुसीबत के साथ प्याले हैं। और जब आप उनको पढ़ते हैं आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि उन प्यालों के जो सात फरिश्तों ने उंडेले हैं, साथ ही जो मुसीबतें आनी है ये उस वक्त होंगी जब मुखालफे मसीह का दौर चल रहा होगा। जैसे ही वो उठेगा सब कहेंगे वाह 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 क्या बंदा आ गया, 666 का अदद आप सबको पता है। और ऊपर से जो झूठा नबी होगा, सुनिए, जो उसके साथ एक मजहबी लीडर होगा, 13वें बाप की 11वीं आए, फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा। एक और हैवान, मुखालफे मसीह का असिस्टेंट, झूठा नबी जो उसकी मदद करने के लिए उठेगा, उसका जलाल जाहिर कर, देखिए कैसा कॉपी करता है शैतान। जैसे पाक रूह यीशु का जलाल जाहिर करता है, वैसे ही ये झूठा नबी मुखालफे मसीह का जलाल जाहिर करने के लिए उठेगा। दूसरा हैवान उसे कहा गया, उसके बर्रे के से दो सीन थे और अजदहे की तरह बोलता था, और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था। किसका सारा इख्तियार? पहला हैवान कौन है? मुखालफे मसीह। दुनिया को साबित कर रहा था कि देखो ये पहला हैवान, ये मुखालफे मसीह कितना अजीम है। और उस बात को साबित करने के लिए वो अजीब काम दिखा रहा है। और जमीन और उसके रहने वालों से और काम कर, जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की प्रस्तुति कराता था जिसका जख्म कारी अच्छा हो गया था, और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था। हमें कितना ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है, खुदा ना खास्ता अगर आप उठाए ना गए, अगर कल मसीह आ जाता है और आप यहीं रह जाते हैं, पास्टर उम्मीद भी नहीं होंगे, अगर मैं भी नहीं होऊंगा, खुदा के दूसरे खादिम भी नहीं होंगे, और ऊपर से आ जाता है झूठा नबी और मुखालफ मसीह, और वो अजीब काम दिखाएंगे, तो जिनकी बुनियाद खुदा का कलाम नहीं है वो उनके साथ मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी बुनियाद तो अजीब काम है। हम तो भूखे प्यासे होते हैं कि बस सुबह मिल जाए, हम तो सिर्फ वहीं पहुंचते हैं, नहीं है उससे बड़ी हीलेंगे उसी पहुंचेंगे, जो कि जिसके खिलाफ नहीं है। हम खुद ईमान रखते हैं कि खुदा मुझे सूची कर रहा है, जब तक यक्ष है वो कल भी मौजाद करता था, वो आज भी मौजाद करता है, और वो हमेशा करता रहेगा। लेकिन जिन्होंने खुदावंत को नहीं जाना, जिन्होंने सिर्फ उसके कामों को जाना लेकिन खुदावंत को नहीं जाना, उनकी बुनियाद बड़ी वीक है। उनकी बुनियाद खुदावंत नहीं, उसका कलाम नहीं है, उनकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ जरूरतें हैं। वो खुदा के घर में भी ज्यादातर इसलिए आते हैं कि जरूरतें पूरी होती रहे, कभी भी मसीह में गहरे नहीं होते, खुदावंत का कलाम उनकी जिंदगी में जड़ नहीं पकड़ता। और अगर ऐसा बड़ा मुसीबत का दौर उसमें से आपको गुजरना पड़ा और ऊपर से निशान आप दिखाए जा रहे हैं, फिर तो आप मिल जाएंगे लियाओ जी छाप करो मेरे, मैं बन गया हूं, क्योंकि अजीब काम थे यही कर रहे हैं झूठा नबी और मुखालफ से, यही इससे बड़ी क्या बात हो सकती, यहां तक कि वो आसमान से आप भी नाजिल कर रहे होंगे, देखा है। और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह वो झूठा नबी अजीब कामों से गुमराह कर देता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान यानी मुखालफ मसीह की तलवार लगी थी और वो जिंदा हो गया, उसका बुत बनाओ। ज्यादा तफसील बजाय बगैर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का घर दानियल नबी के सहीफे की नबूवत के मुताबिक दोबारा तामीर किया जाएगा, और वो यही शख्स मुखालफ मसीह करवाएगा। और जिस रोज आपको CNN पे, BBC पे, GN न्यूज पे ये खबर पता चले कि दोबारा से हैकल की तामीर हो रही है, समझ जाए कि बस अब बिल्कुल आएगा, एक बड़ी नबूवत तो पूरी हो चुकी है। बड़ी नबूवतों में से टॉप 5 में जो बड़ी नबूवत थी इसराइल का वापस आना, वो तो पूरा हो चुका है। ये वही इंजील का दर्द है जिसके बारे में खुदावंद ने कहा था कि जब तुम उसमें नए पत्ते निकलते हुए देखो तो जान जाओ कि मेरी आमद नजदीक है। ये इंजील का दर्द बनी इसराइल कौम है जिसका वापस आना और दोबारा से वजूद ही नहीं था वजूद में आ जाना, ये वो नए पत्ते हैं जो निकलना है। और वो 1950 और 1960 की दिहाई में
वापस आ चुके हैं और वो दोबारा एक मुल्क के तौर पर सामने आ चुके हैं। मगर दूसरी बड़ी बात, जिसको जब ये हो कि हैकल दोबारा तामीर हो रही हो, तो आप जान जाए कि जो मालिक ने कहा था बस अब वो आएंगे नजदीक, क्योंकि वो सबकी नजरों में मुकाबले में सी अच्छा बनेगा, इसलिए क्योंकि वो सबको खुश कर देगा। वो कहेगा लड़ाई करने की क्या जरूरत है, मुसलमान भी अपनी इबादत का मैं इबादत करते रहे और मसीहों और यहूदियों के लिए भी मैं इबादत का बना देता हूं। ये तमाम वाकयात होने को है। और जब इतना अच्छा बंदा दुनिया देखेगी, दुनिया तो आ गई भूखी प्यासी मुसीबत में है, वो कहेंगे हमारा सेवियर आ गया, हमें तमाम मुश्किलात में से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में से, गुर्बत में से निकालने के लिए एक लीडर आ गया है जो सारी दुनिया का लीडर, वन वर्ल्ड लीडर होगा, एक लीडर होगा जो सारी दुनिया को लीड करेगा, बाकी सब उसके अंदर होंगे। और कितना अच्छा लग रहा होगा उस वक्त के लोगों को। मगर छोटे बच्चों, अगर आप उस वक्त बड़े हो चुके हुए तो आप आज का कलाम याद रखना, क्योंकि वो मुखालिफ मसीह होगा और वो खुदा का नहीं, वो खुदा का मुखालिफ होगा। और बहुत बड़ी तादाद में कलीसिया पर खाली जाएगी, मगर जो रह जाएंगे वो भी एक बड़ी तादाद होगी, वो जो मसीह के लोग जो खुदावन के साथ नहीं चल रहे होंगे वो यही रह जाएंगे, जिनको नहीं रह जाना चाहिए था वो जब रह चुके होंगे तो उनमें से बहुत बड़ी तादाद छाप ले लेगी 600-700 की। आपको शायद अगर कलाम में आप मजबूत नहीं हुए ना, तो आप भी शायद उनमें से हो, खुदा ना करे, जो उसकी छाप ले। और बड़े अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जो जो छाप लेगा उसके मजे, वो छाप लिए बगैर आप सोदा भी नहीं खरीद सकते, ना आप चीनी ले सकते हैं, ना आटा ले सकते हैं, ना कोई और चीज ले सकते हैं। आज भी एटीएम कार्ड जो है ना, वही चीज है। उस वक्त वो आपके माथे पर क्लिक करके देखेंगे कि इसमें इसने छाप ली हुई है कि नहीं ली, और अगर नहीं ली हुई कहेंगे भाई आपके अंदर तो चिप ही नहीं, आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो उस वक्त जब मुसीबतें भी जिन्होंने छाप नहीं ली उनके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो कई इस वजह से छाप ले लेंगे हमारे, कहेंगे यार असी भुखे मार, बच्चे को भुखे तो नहीं मारना, और कई इस वजह से ले लेंगे क्योंकि निशानात और अजीब काम भी दिखा रहा होगा मुखालफे मसीह और उसका झूठा लगे। लेकिन जब 3.5 साल हो जाएंगे उसकी हुकूमत को, तो खुदावन की मुकर्रर करदा मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी, और वो मुखालफे मसीह पर और जिन्होंने उसकी छाप ली है उन पर आएंगी। उस वक्त जो छाप नहीं लेंगे वो खुदावन के लिए शहीद किए जाएंगे और ऊपर कलीसिया के साथ जाने लगेंगे। हालेलुया। यहां पर मैं पूरा हवाला पढ़ देता हूं, और उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले। वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज मुखालफ मसीह का बुत है जो हैकल में नष्ट किया जाएगा और झूठे नबी के ऑर्डर पर किया जाएगा, क्योंकि ये सारा ठेका उसने उठाया होगा कि मुखालफ मसीह को जलाल मैं दूंगा, मोजज़ात इसके आगे आगे मैं दिखाऊंगा, सारी दुनिया के सारे कंट्रीज के लोगों को कायल मैं करूंगा अजीब कामों से। और फिर फाइनल ऑर्डर वो ये भी देगा कि इसका बुत हैकल में लगाया जाए, और ऐसा इख्तियार होगा उसके पास कि वो बुत बोलेगा। वो बुत जब बोलेगा और टीवी पर जब लोग देख रहे होंगे तो लोग हैरान हो जाएंगे, कहेंगे इससे बड़ा क्या बात हो सकती है, यही हमारा खुदा है, हम इसी की मदद करेंगे। ये वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज है जिसका जिक्र दानियल नबी ने 1000 साल पहले किया और खुद खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से पहले ही बता दिया। इससे पहले जनरल तीतस ने 1 सदी में आके जब हैकल को मुसवार किया था तो उसने भी एक बदतमीजी की थी, हैकल में सुअर टांग दिए थे उसने, सुअर की खाल, और कई लोगों ने कहा शायद ये उजाड़ने वाली मकरूह चीज है। लेकिन नहीं, वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज उन मुसीबत के दिनों में हैकल में नष्ट की जाएगी और ये वो सेवान का बुत होगा। आपसे मैं इल्तमास करता हूं कि मुकाशवा के 15वें बाब के बाद जो प्याले सात मुसीबत के अंडेले जाएंगे जरूर उनका मुताला करें। पहला प्याला जब अंडेला गया, मैं पढ़े देता हूं 16वें बाब की दूसरी आयत, क्या ध्यान से सुन रहे हैं, कौन कौन जानना चाहता है कि उन मुसीबत के दिनों में जो मुखालफ मसीह के दौर में आएगा और किस पर आएगा, वह दो मुखालफ मसीह पर आएगा और उसके लोगों पर आएगा। उसके लोग कौन है, जिन्होंने उसकी
छाप ले ली जो उसके हो गए हैं, उन पर आएगा। तो गौर से सुने दूसरी आयत 16वें बाप की मुकाशफा, बस पहले फरिश्ते ने जाकर अपना प्याला जमीन पर उंडेला और जिन आदमियों पर उस हैवान की छाप थी और जो उसके बुत की प्रस्तुति करते थे उनके एक बड़ा और तकलीफ देने वाला नासूर पैदा हो गया। इधर देखे सब, पहली मुसीबत क्या हुई, जिस जिसने छाप ली हुई थी उसने क्या निकल आया, नासूर। दूसरी मुसीबत, दूसरे ने अपना प्याला समुंदर में उल्टा और वो खून बन गया और समुंदर के सब जानदार मर गए। समुंदर का पानी, सारी मछलियां, सी फूड खत्म हो गया दुनिया से। पता चल रहा है, खबरें आ रही है कि जी अचानक नहीं कर देखे ध्यान से, ये मत सोचे कि ये तो सारा जी कोई ख्याली बात थी, असल में ये नहीं कुछ हो रहा है। वो भाई पहले ये हो चुका है मिस्र में, पानी फूल हो चुका है, मुसीबतें ऐसी पहले आ चुकी है, और जिस खुदा ने भेजी थी क्या वो खुदा दोबारा वो मुसीबतें नहीं भेज सकता। उस वक्त फिरौन को बताने के लिए कि तू नहीं है खुदावन, खुदावन मैं हूं, और अब की बार मुखालफ मसीह को बताने के लिए कि तू नहीं है खुदावन, खुदावन मैं हूं, मुसीबतें आएंगी। हालेलुया, नसूर निकल आया और दूसरा प्याला होने लगा, समुद्र का पानी खून हो गया। कई होंगे वो कहेंगे कोई गल नहीं जी, समुद्र का पानी खून हो गया, दरिया ते हैं लेना, असी गुजारा कर लवांगे। आगे सुने, और तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उंडेला और वो खून बन गए। पी लो पानी, दरिया और पानी के चश्मे, नलकों में से भी जो पानी है वो दरियाओं से आता है, तुम नलका खोलोगे भी जो खून आ रहा है। ऐसी मुसीबत के दिन तीसरा प्याला उंडेला गया, चश्मों का पानी, दरियाओं का पानी खून बन गया। और मैंने पानी के फरिश्ते को यह कहते सुना जिसने वो प्याला उंडेला था मुसीबत का, क्या है कुदूस जो है वो जो था, तू आदिल है कि तूने ये इंसाफ किया क्योंकि उन्होंने मुकद्दसों और नबियों का खून बहाया था। आप जानना चाहते हैं कि चौथा प्याला उंडेला गया तो क्या हुआ, कौन कौन जानना चाहता, छोटे तू नहीं जानना चाहता, क्या मैं जानना चाहता हूं, ठीक है। चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उल्टा, क्या हो गया, और उसे आदमियों को आग से झुलस देने का इंतजाम दिया गया, यानी कि ऑर्डर मिला कि तू इन्हें सेकना है पर साड़ना नहीं। बंदा कहेगा यार दे दो, मैं साड़ी जाना तो चंगा सी, अभी कैसा महसूस हो रहा है गर्मी में, सेका लग रहा है ना, लेकिन अगर यही सूरज और करीब आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर आप कहेंगे कि भाई हमें एक ही दफा जला दे, ये इतनी ज्यादा तकलीफ की बात है कि झुलस, आपकी स्किन झुलस जाएगी। खुदावंद ना करे आप हो वहां पे, मैं वैसे लोगों की जो उस वक्त होंगे उनकी स्किन झुलस जाएगी, लेकिन मरेंगे नहीं, मौत मांगेंगे। ये वो मुसीबत है जिसमें लोग मौत मांगना शुरू हो जाएंगे। और लिखा है चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उल्टा और उसे आदमियों को आग से झुलस देने का इख्तियार दिया गया, और आदमी सख्त गर्मी से झुलस गए और तौबा करने लगे। नहीं नहीं, गौर से सुने, उन्होंने खुदा के नाम की नस्बत कुफर बका जो उन पर जो उन आफ्तों पर इख्तियार रखता है, उन आफ्तों पर इख्तियार किस कौन रखता है, खुदा रखता है। मिस्र में जब आफ्तें आई थी इख्तियार किसका था, अब भी खुदा जो अच्छा वो कुफर वाक रहे हैं। ये कुफर क्यों वाक रहे, जिस माबूद की आप प्रस्तिश कर रहे होते हैं उसकी क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती है। ये जो मुखालफ मसीह है इसकी टॉप क्वालिटी है कुफर वक्ता खुदा के नाम का, और अब जो लोग उसकी छाप लेकर उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं उनके अंदर भी वही क्वालिटियां आ गई है जो उनके माबूद में, कुफर वकने की क्वालिटी। तौबा करने की बजाय वो उल्टा कुफर वकेंगे, गालियां दे रहे होंगे। और फिर कौन जानना चाहता है कि पांचवी आफत क्या है, पांचवें ने अपना प्याला उस हैवान के तख्त पर उल्टा और उसकी बादशाही में अंधेरा छा गया और दर्द के मारे लोग अपनी जबानें काटने लगे। जाहिर है जबानें ही कटनी है, राती अंधेरा छा गया कैसे वे पता, मुखालफ मसीह के दौर में बिजली होगी, होगी ना, होने ही है तो जाहिर है और एडवांस जमाना होगा,
हाथी बिजली ना चल रही होगी, पक्षे भी होंगे, एसी भी होंगे, लेकिन पांचवा प्याला जब अंधेरा गया तो क्या हुआ है? अंधेरा छा गया। इसका मतलब है अंधेरा अंधेरा पूरा छा गया है, तो इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी भी नहीं रही और बिजली की रोशनी भी नहीं रही। एक तो थोड़े पहले निकले हुए हैं उतो सूरज की पहले जगह तो थी आपस झुलस गई है स्केल, रात का टाइम है चलो यार एसी तो है, अचानक एसी बंद पंखे बंद, तो लिखा है कि वो अपनी जुबानें काट लेंगे लोग। इतनी तकलीफ उन्हें हो रही होगी कि वो अपनी जुबानें काट रहे होंगे और कुफर बक रहे होंगे। और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया फरात पर उल्टा और उसका पानी सूख गया। अच्छा लगता है कि यार बड़ा अच्छा हुआ रास्ता बन गया। रास्ता किसके लिए बन गया? वो जो आखिरी जंग होनी है उन बादशाहों को इन्विटेशन दिया जा रहा है, आ जाओ मुकाबला कर लो, मुकाबले उसी और उसकी अलायंस, वो सब दरिया फरात सूख जाएगा और उन जो मुल्क उस तरफ है आप समझ जाए कौन से मुल्क है, वो सारे इकट्ठे होने के लिए उनको रास्ता मिल जाएगा छठा। और लोग समझ रहे होंगे ऐ प्याला जड़ा है ना, ऐ एकदम मुसीबत का अलग ही लग रहा है, ये अच्छे गल होगी रास्ता बन गया। लेकिन वो जो जंग शुरू होगी तीसरी जंग अजीम आखिरी जंग अजीम, और करने किसके खिलाफ निकले हैं? जो जाहिर होने वाला है हर दुनिया कदीम नयाम, जिसका जिक्र दानियल ने कहा था कि उसने कहा था कि वो जो मुखालफ उसी है, वो जो हैवान है वो खुदा के लोगों को मारता रहा जब तक कदीम नयाम ना आया। कदीमुल आयाम खुदावंद यीशु मसीह का डॉक्टर है, हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह से मुकाबला करने के लिए वो जमा होंगे। मैंने इस बात को देखा है कि इन पर रोकते खड़े होना भी जरूरी है। हम खुदा के खादर ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि कलीसिया को जुगा के रखना बड़ा मुश्किल हो गया था। कलीसिया को सुलाने का इंतजाम पहले से कई ज्यादा अच्छा हो गया है, अभी इसके पास बहुत कुछ आपके घरों में मौजूद है जिसको इस्तेमाल करके कलीसिया को, वो कह रहे हैं बाकी दुनिया तो है ही मेरी है, मैं इनको भी नहीं छोड़ूंगा जो उसके खून खरीदे, मैं इनको भी ले जाऊंगा, मैं इनको उस रैप्चर में खुदावंद के साथ आसमान पर बादलों पर फैल जाने नहीं दूंगा। मैं वो जब जो मसीह में मुंह में जी उठेंगे और जो जिंदा होंगे बदल जाएंगे और अचानक दुनिया से लोग गायब हो जाएंगे वो खुदा के लोग, मैं उनके साथ इनको नहीं जाने दूंगा, मैं इनको अपनी दुनियादारी में उलझा के रखूंगा, मैं इनको जागने नहीं दूंगा, मैं इनको दिलासा दे रखूंगा, मैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन खुदा का वो खादम जो बेचैन है वो अच्छा खादम, वो जो खुद चैन से नहीं बैठ रहा और कलीसिया को भी चैन से बैठने नहीं दे रहा उससे मत भागे, वो अच्छा है। और जो आपको दिलासे दे रहा है कि कुछ नहीं होता वो अच्छा खादम नहीं है। वो जो आपके घर में आकर पूछता है कि दुआ कर रहे हो बेटा, अपनी रूहानी जिंदगी में किस जगह पर हो बेटा, वो अच्छा खादम है। जिसको लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये तो जी हम तौबा की बातें करता रहता है, वो अच्छा खादम है, उससे मत भागे। ये भी आखिर जमाने में हंसी ठट्ठा करने वाली स्पिरिट खुदावंद के कलाम में लिखा, पहले लिखा है कि काम करेगी, हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और मजाक उड़ाएंगे, और कितने गई होती दूसरी आमद, आपने उनकी बातों में नहीं आना। ऐसे लोग आपको हर कोने में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा मिलेंगे जो खुदा के खाबों का मजाक उड़ा रहे, जो खुदा की बातों का मजाक उड़ा रहे। आप जान जाए कि काम उस तरफ जा रहा है जो मुखालफ मसीह का दौर है, आप जान जाए कि ये स्पिरिट बढ़ती ही जा रही है। आइए अपनी जगह रुक कर हो सर, आज सबसे पहले हम उन लोगों के लिए दुआ करना चाहते हैं के बंद करें, वो जिंदगी जो खुदावंद से दूर है और खुदावंद को अपना आप देना चाहती है बगैर शर्माए लोगों से, आप अपनी जिंदगी खुदावंद को देना शुरू करें। शर्म की बात तो ये थी कि सलीब पर खुदावंद खुदा होते हुए
वो उस नंगी हालत में से भी पलटता रहा, ये शर्म की बात है। उसको जिंदगी देना शर्म की बात है। इंसानों की परवाह ना करेंगे, लोग देख रहे हैं, कुरान नाम से कलाम कर रहे हैं, आंखें बंद करें। और जो खुदा से दूर है वो मेरे पीछे दुआ करे, उनके खुदा की खादमा से है तो वो सामने आ जाए मेरे साथ करें के खुदा मुझ पर है। मेरे गुनाहों को माफ, मेरी सुस्ती पैदा, मेरी दुआया जिंदगी को बहाल कर, दुनिया की चीजें निकाल दे, अपने पांच रूह को फिर मुझ पर भाग कर। होली स्पिरिट सॉरी, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, मैंने तुझे रंज दिया, मुझे बहाल कर, मुझे फिर से जिंदा कर दे। जब तू आए तो मैं तेरे साथ जा रहा था। मुझे मौत के मुंह से आने वाले, मुझे मौत के मुंह से आने वाले, उठा के नई जिंदगी देने वाले, उठा के नई जिंदगी देने वाले, मेरा हर वक्त
जो आगे आया है अपने हाथ उठा के काफी लोग हैं।
तेरे दीवान मने बेना किया रहे तुझे
बच्चे भी दुआ करें, आप भी।
Thank you.
आप लाइलाज बीमारी का शिकार है, बेरोजगारी है, माली मुश्किलात है, कोई भी प्रॉब्लम है, खुदावंद से आपसे उम्मीद रखे, हाथ उठाए, खुदावंद हम तेरे नाम से इन मधुरों को जो जबड़े हुए हैं एक जिंदगी को कई घरों को मानते हैं और तेरे नाम से हुक्म देते हैं कि वो जिंदगी को और खानदानों को छोड़ दे, बीमारी की स्पिरिट चली जाए यीशु के नाम से और बहाली आ जाए, मुकम्मल बहाली यीशु के नाम में आ जाए। आपके गाली बजाने से अपनी शर्मिंदा हो गया, हालेलुया बजाते थे गाली नए जुबानों में दुआ करें, ताली बजाते तो नए जुबानों में दुआ करें। आखिर में मैं एक बात गाना चाहता हूं, आप ये बात कभी ना भूलें, उतरे गान से दिनों से कभी ना क्षमसीवा, उतरे गान से दिनों से कभी ना क्षमसीवा, वो जाने वफा शाम वो जाने वफा शाम बिखरे हुए कांटों मुसलसल सफरिया, बड़ी से बड़ी भी मुसीबत के दिन आ जाए, बड़े से बड़े अजीब काम दिखाने वाले आ जाए, ये सुपर ना भूले वो खून में भीगा हुआ सरिया बिखरे नगर याद रहेगा मुसलसल हम आपको खुदा के फजल के सपूत करते हैं। ऐसा माहौल बन चुका है कि मुझे इस माहौल में ये कहते हुए अच्छा लग रहा है, खुदा हमें भी लंबी उम्र दे, लेकिन अगर खुदावन मुझे या पास्टर वेद को या पास्टर वसीम साहब को या खुदा की खादमा सना आरिफ को अगर खुदावन अपने पास भी बुला लें फिर भी यीशु को ना भूलें, आखिरी सांस तक उसके साथ चले, क्योंकि उसके सिवा कोई और है ही नहीं। और आप सबको बरकत दे, मसीह में कायम रहे, बढ़ता चला जा तू साथ मसीह के उसमें है जिंदगी,
बढ़ता चला ना तो साथ उसी के उसमें मैं जिंदगी आएगा जान पाएगा तू आएगा भरपूर तालियां आप सभी का।